आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 सफलता का रहस्य। कि सफलता का क्या रहस्य है, सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इस संसार का हर व्यक्ति सफलता पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कम ही लोग सफल होते हैं। जीवन में कम लोग सफल होते हैं। इसका कारण है कि वे जानते नहीं कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सफलता का पहला सूत्र है लक्ष्य का निर्धारण करना। सबसे पहले सफलता पाने के लिए हमें जो अपना टारगेट रखना है कि हम कैसे चलें उस रास्ते पर, तो इसका है लक्ष्य का निर्धारण। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि अपने लक्ष्य को कैसे निश्चित करें। बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि गाइडेंस हमें नहीं मिलता है, बचपन से सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इस कारण कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो वास्तव में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बच्चे को पर थोपना नहीं चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये नहीं थोपना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि उसकी प्रतिभा क्या है तथा उसमें कमजोरी क्या है। तो लक्ष्य का निर्धारण अपनी रुचि के अनुसार, मतलब जो बच्चे की रुचि है, जो मतलब सफलता प्राप्त करना चाहता है। हम लोग अगर पेरेंट्स हैं तो सोचते हैं बच्चे को सफल बनाने के लिए अपने हिसाब से, तो नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे तो बच्चा कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमें बच्चे में देखना चाहिए कि उसकी हॉबी क्या है, उसमें एबिलिटी क्या है तथा उसकी कमजोरी क्या है। तो जो कमजोरी है उसकी, उसको हमें किनारे कर देना चाहिए, उस पर बार बार कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और उसकी जो प्रतिभा है तथा जो चीज़ वो पसंद करता है तो उसके अनुकूल उसके निर्धारण करना चाहिए। यदि लक्ष्य रुचि के अनुसार होगा, अगर हमारी पसंद के अनुसार हमारा लक्ष्य रखा जाएगा तो हमें मेहनत भी करने में अच्छा लगेगा और हम जोश और उत्साह के साथ मेहनत करेंगे। साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी तय कर लेना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग रास्ता भी तय करना चाहिए कि मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी, कौन कौन सी परेशानियाँ आएगी, उसकी परिकल्पना तैयार करें। इस समय मार्ग को समयानुकूल परिवर्तित करते रहना चाहिए और इस रास्ते को, जो हम लक्ष्य का रास्ता चुन रहे हैं, उसको समय के अनुसार बदलते भी रहना चाहिए। दूसरा सूत्र है साधन का सदुपयोग। दूसरा है कि अगर हम पसंद तो देख ले रहे हैं कि पसंद है क्या, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण कर ले, मगर साधन हमें नहीं मिल पा रहे। मान लो पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे लक्ष्य का निर्धारण। तो जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक सभी साधन इस धरती पर जहाँ तहाँ बिखरे हैं, तो प्रकृति ने साधन दिए तो हमें प्रकृति से ढूंढना चाहिए, आवश्यकता है उसको समेट कर सदुपयोग करने की। ज्ञान विज्ञान का खजाना हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में, तो अगर और ज्ञान विज्ञान जो है खजाना विरासत में मिलता है इन, तो इस तरह से हमको इन साधनों का प्रयोग सोच समझ कर संयम से करना चाहिए। तीसरा सूत्र है सीखने की चाह। और तीसरा है अगर सीखने की चाह है तो इसी में से हम सीख लेंगे। सफलता के लिए अनिवार्य है कि हम विचारों को सीखने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित कर लें, कि हमारे विचारों में सीखने की प्रवृत्ति हो। हमारा दिमाग ही ऐसा हो कि हम कहीं से भी सीखना चाहें। कुछ बच्चों में देख जाता है कि वो सीखना चाहते हैं, वो हर से पूछना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे सफल हो जाते हैं। चौथा सूत्र है संवाद कौशल। तो अब यहाँ पर संवाद कौशल की बात वहाँ पर आई जहाँ कि हम अगर सफल होना चाहते हैं, मान लीजिए किसी इंटरव्यूअर के सामने गए, तो वहाँ पर संवाद कौशल की बात आती है। तो अपनी बात को हमें सशक्त, सही से और प्रभावशाली ढंग से कहने की सफलता हमें होनी चाहिए। तो घर बाजार दोनों स्थान पर उपयोगी होती है। तो अगर हम किसी इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे तो अगर हमें संवाद कौशल है तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे साफ ढंग से बता पाएंगे, कह पाएंगे। और पांचवा सूत्र है नेतृत्व की योग्यता। पांचवा क्या है, नेतृत्व मतलब नेतापन की योग्यता है। तो सफल नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास, विचार की स्पष्टता और दृढ़ निश्चय के गुण होने चाहिए। छठा सूत्र है प्रशासनिक कौशल। तो इस प्रकार कार्य को विशेष समय पर पूरा करना, प्रशासनिक कौशल मतलब प्रशासन को किस तरह से हमें चलाना है, अपने शासन को किस तरह चलाना है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और कार्य को समय पर पूरा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता और गुणों का ज्ञान, ये सभी प्रशासनिक गुण है। तो
तो प्रशासनिक गुण ये भी होते हैं कि हम आप जिस प्रशासन को चला रहे हैं या जिस संस्था को हम चला रहे हैं उसमें जो कार्यकर्ता है हमें उसके अच्छे कार्यों पे उसकी सांत्वना या उसको शाबाशी भी देनी चाहिए। इस प्रकार ये व्यक्ति को भी सफल बना देते हैं और हमारे संस्थान को भी सफल बना देते हैं। सातवां सूत्र है क्षमा। सातवां सूत्र क्या होता है? क्षमा, करुणा और सहयोग की भावना। तो ये सभी सफलता के लिए आवश्यक है। अगर हम किसी चीज़ को सफल करना चाहते हैं या अपनी एक कार्य को सफल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्षमा होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सफलता की राह में अनेक बाधाएं आती हैं। कई बार हम किसी अन्य की गलती के कारण असफल हो जाते हैं, मतलब दूसरा गलती करता है और बात हमें सुननी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। क्रोध से अपना व अन्य सभी का नुकसान हम कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आठवां सूत्र क्या होता है? वित्तीय साधनों को की व्यवस्थित योजना। आठवां सूत्र है वित्तीय साधन, मतलब जो धन संसाधन है व्यक्ति को चाहिए कि वह भविष्य के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या कि हम अपने खर्च से कुछ बचा करके भविष्य के लिए व्यवस्थित कार्य योजना और नीतियों को बनाएं। अपने धन का निवेश व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत मामलों में बहुत सोच समझ कर करें। व्यवसायिक में और व्यक्तिगत मामलों में सोच समझ करें, कुछ कल के लिए बचा के रखें। नवा सूत्र है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक होती है, नकारात्मक तो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचता है और जीवन के हर पहलू को आशा की दृष्टि से देखना सकारात्मक सोच है। इसलिए अपने अंदर की हीन भावना को पूरी तरह से हमें खत्म कर देना चाहिए कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी एग्ज़ाम को, किसी कंपटीशन को दे रहे हैं, एक बार अगर हम उसमें नहीं पास होते हैं, उस परीक्षा में नहीं सफल हो पाते हैं, तो हमें ऐसा कतई ही नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और अपने विचारों को मन मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि इसके मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ निकाल देना चाहिए। बल्कि यह क्या सोचना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। तो इससे अपने चिंतन का हिस्सा, इसे अपने चिंतन का हिस्सा बनाना चाहिए, तभी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी छोटी बात नहीं सोचता, वह हमेशा ऊँची सोचता होगा, तभी तो उड़ान ऊँची होती है। मतलब हमें कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए, हमें कम नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा सोचना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं मान लो, तो हमें सोचना चाहिए, बच्चे जब हैं तो सोचना चाहिए कि अरे हम 100% लाएंगे इस बार एग्ज़ाम में, 100% लाएंगे। तब बच्चा क्या करेगा, 90% लाएगा। या दसवां सूत्र होता है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास अगर है तो आवश्यकता है उसे जागृत करने की। आत्मविश्वास के जगते ही व्यक्ति की सोच बदल जाती है, असंभव कार्य भी संभव लगने लगता है। अगर आत्मविश्वास है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्यारहवां और अंतिम सूत्र है सही समय पर कार्य करना। तो जो मतलब सही समय है, समय पर कार्य करेंगे तभी। अगर एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम के एक महीना पहले अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारा वो सही समय है कि बाद में हम रिवीजन का हमें अच्छा टाइम मिलेगा। तो इस तरह से हमारा 100% रिजल्ट आ सकता है। इसी तरह से किसी भी कंपटीशन, नौकरी के लिए कंपटीशन है या किसी के लिए भी कंपटीशन है, तो हमें उसका काम समय पर करना चाहिए, तभी हम उसकी उसका उचित अभ्यास कर पाएंगे और उसकी उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से हमें व्यर्थ समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जो अपने और दूसरों के समय का ध्यान रखते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो ये लिया गया है अखंड ज्योति, एक पत्रिका आती है ना अखंड ज्योति, उसी से लिया है। तो ये वहां से लिया गया जिसमें इन्होंने कई महापुरुषों के आधार पर अपनी बात को कही है कि जो सफल है वो कैसे सफल है, उनका आधार यही सूत्र है। अतः हमें भी इस भाव को अपनाना चाहिए।